नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। दिल्ली चुनाव परिणाम के रुझानों में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है। फ्री बिजली, पानी, फ्री बस यात्रा, अच्छी व सस्ती स्कूली शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जैसे कामों पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी। करीब 9 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में आप दिल्ली के 7 में से एक भी सीट को नहीं जीत पाई थी और तीसरे नंबर पर रही थी। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर किन वजहों से दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथों में सौंप दी है। यहाँ पर हम आपको सभी 10 कारणों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, उसका आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ। इसके विपरीत भाजपा और कांग्रेस ने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया था। इसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिला। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को बार बार चुनौती दी। ये बात आम आदमी पार्टी के पक्ष में रही। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अपना चुनाव अपने काम पर फोकस करके किया है। कोई विवाद वाले बयान से वह जुड़े ही नहीं। इस चुनाव में जुबानी जंग में हर हद पार की गई, लेकिन केजरीवाल इस बार किसी विवादित बयान देने से दूर ही नजर आए। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो पर्सनल अटैक को अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा बनाया। उन्होंने बार बार अपने आप को दिल्ली का बेटा बताया। दिल्ली में उन्हें भाजपा नेता प्रवेश वर्मा, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा और कपिल मिश्रा ने आतंकवादी कहा। इसको लेकर चुनावों के दौरान वह बार बार लोगों से पूछने जनता के बीच जाते रहे और कहते थे कि क्या मैं आतंकवादी हूँ। यही कारण है कि इसको लेकर चुनाव आयोग सख्ती दिखा चुका था और ऐसे बोलने वालों को प्रतिबंधित कर चुका था। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि 8 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है। ऐसे करने पर आम आदमी पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो दिल्ली चुनाव में भाजपा ने स्थानीय के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस रखा। भाजपा नेता अपनी सभाओं में नागरिकता संशोधन कानून, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते रहे। भाजपा ने स्थानीय मुद्दों को उठाया जरूर, लेकिन उसके पूरे कैंपेन में CAA और दूसरे राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रवाद ही हावी रहे। वहीं पांचवे पॉइंट में बात की जाए तो दिल्ली में 3 बार सरकार बनाने वाली कांग्रेस का चुनावों में पूरी तरह से बहुत बुरा हाल रहा। चुनावों में कांग्रेस के 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वो किसी सीट पर नंबर 2 में नहीं पहुंच पाए। उसने अपने 5% वोट गवा दिए। उसको 2020 के चुनावों में सिर्फ 5% वोट मिले। उसका खाता तक नहीं खुला। इस कारण दिल्ली में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही रह गया। भाजपा को 6% से ज़्यादा वोट मिलने के बाद भी सिर्फ 7 सीटें मिली। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान जयपुर और वायनाड में रैली की, लेकिन दिल्ली में सभा करना उन्हें उचित नहीं लगा। यही कारण है कि कांग्रेस चुनावी मुकाबले से बाहर हो गई। अगर हम बात करें सातवें बड़े पॉइंट की जिसने मदद करी केजरीवाल सरकार की, तो वो है दिल्ली में फ्री बिजली पानी का मुद्दा, जो कि हिट रहा। 2015 में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा किया था। उसने सरकार बनते ही इसे लागू किया। इसके अलावा दिल्ली में 2015 में सरकार बनने पर 200 यूनिट पर आधी सब्सिडी देना शुरू किया। इसके बाद अगस्त 2019 में 200 यूनिट पर पूरी सब्सिडी देना शुरू किया, यानी 200 यूनिट तक पूरी बिजली मुफ्त कर दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड में अगले 5 साल तक 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का आश्वासन दिया गया। वहीं आठवें पॉइंट की बात करें जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहा केजरीवाल सरकार की जीत के लिए, वो है नवंबर 2019 में आप सरकार ने जो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू करी। इससे कामकाजी महिलाओं और घरेलू महिलाओं को बड़ी राहत मिली। इससे आप सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। इसके साथ ही बसों में मार्शल भी लगाए गए। इससे चुनावों में महिला सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। यही कारण है कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में बम्पर वोटिंग की। वहीं नौवें पॉइंट की बात की जाए तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में व्यापक तौर पर सुधार किया गया। पहली दिल्ली की सरकारी स्कूल कॉन्वेंट स्कूलों के मुकाबले नजर आए। इसके लिए दिल्ली के बजट का 25% शिक्षा के लिए आवंटित किया गया। इससे दिल्ली में करीब 20,000 नए कमरों का निर्माण किया गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि रोक दी। इसके सीधे असर देखने को मिले।
और आखिर पॉइंट की बात की जाए तो वो है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को घरों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास किया गया। इसके लिए दिल्ली में करीब 450 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए लैब की सुविधा और मुफ्त दवा सुविधा उपलब्ध कराई गई। दिल्ली में करीब 2.5 लाख CCTV कैमरे भी लगवाए गए। महिला सुरक्षा और इससे लोगों की सुविधा बढ़ गई। ये वो 10 अहम मुद्दे हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी सरकार वापसी सत्ता में आई है।